बहुत साल बाद आए हैं, लगभग 9 साल बाद, 9 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की धरती पर फिर आए हैं। तो आज सर इस टीम को कुछ ऐसा दीजिए कि आयुर्वेद का एक अलग नॉलेज हो जाए। थैंक यू सर। बैठे हैं अपने आनंद के सलाह किया चक्षु उम्मीदी गुरुवे हमारे सभी गुरु को प्रदान करके आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यदि आप शांत बैठे तो आपको सुनाई देगा, नहीं शांत बैठे तो पाव में चला जाएगा। मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं। धनवंतरी कंपनी आयुर्वेद को बढ़ावा देती है, इसलिए थोड़ा आयुर्वेद के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आयुर्वेद शास्त्र जो है ये भारतवर्ष का वैदिक शास्त्र है। 5000 साल पहले से ये चलता आ गया है। हितकर क्या, अहितकर क्या, सुखदर क्या, दुखदर क्या, आयुष का मान क्या, इस शास्त्र में बोला है उसे आयुर्वेद बोलते हैं। तो ये शास्त्र जो है ये मानव वंश का जीवन शास्त्र है और आपका सबका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखने के लिए जो है सबसे पहला प्रयोग बोला है स्वस्थ से शास्त्र रक्षण आतुरस्विकार प्रश्न। मतलब पहले जो स्वस्थ है, निरोगी है, हेल्दी है, उनका हेल्थ अच्छा है, इसलिए आप प्रयत्न करो। उसके बाद में जो है जो बीमार उनको ठीक करने का आप कोशिश करो। ये सूत्र जो मैंने बोला है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए। समझे यहां लखनऊ की जो आबादी है 50 लाख समझो, बराबर है ना? तो 50 लाख में से रोज बीमार कितने गिरे अंदाज 40 लाख। 50 लाख लोगों में से रोज बीमार कितने गिरेगी? 1% तो बीमार गिरेगी ना, मतलब 5000 लोग रोज बीमार गिरेगी। यहां के डॉक्टरों की संख्या यदि आपने देखी तो कम से कम जो है यहां 1000 डॉक्टर तो होंगे पूरे शहर में। तो हर डॉक्टर के पास पेशेंट कितने आ गए? और आप सभी लोग जो है बीमार लोगों के पास हमारी दवाई लोग ऐसा रोक के जा रहे हैं तो आपकी दवाई लेंगे क्यों? नहीं लेना, क्योंकि डॉक्टर इतने पड़े हैं, फिर आपके पास तो दवाई क्यों ले? सबसे पहला सवाल। तो हम उल्टा आपको सिखा रहे हैं कि जो आपकी लोग संख्या 50 लाख है उनके पास आप जाओ, ये 5 लोगों के बीच मत भरो। हमारा जो मिशन है हेल्दी इंडिया स्वस्थ भारत, शब्द ही हमारा स्वच्छ है स्वस्थ भारत। तो हेल्दी इंडिया पाने के लिए आपको वेलनेस के पीछे दौड़ना चाहिए, है कि नहीं? तो अभी कोरोना के 2 साल के काल में सभी को मालूम पड़ा है ना आरोग्य कितना अच्छा चाहिए, उत्तम चाहिए। तो ये पाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। तो ये सब चीज जो है हम आपको सिखाएंगे। तो कहां से चालू करेंगे सब मित्रों? ये सब की शुरुआत चालू होती है हमारे जन्म से पहले। क्या आपको मालूम है आयुर्वेद में लिखा गया है ऋतु क्षेत्र अंगोरवी, ये 4 चीजों से गर्भ बनता है। तो बीज जो है माता का बीज और पुरुष का बीज, इससे विलय होकर बच्चा जन्म लेता है ना? ये तो हमने सीखा है। तो क्या मां का बीज और पिता का बीज शुद्ध है? पिताजी गुटखा खाते हैं, पिताजी दारू पीते हैं, मां सब्जी नहीं खाती, तो होने वाला बच्चा कैसा होगा? दुबला पतला होगा। मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूं अहमदनगर, वहां जो है रोज 10 बच्चे जन्म लेते हैं। 10 में से 5 बच्चे कांच की पेटी में चले जाते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, क्योंकि वो 700-800 ग्राम के बच्चे रहते हैं। उनकी मां तो अच्छे घर से बिलोंग करती है, खाते पीती घर की है, फिर बच्चा ऐसा छोटा कैसे होगा? उसको आईसीयू में भर्ती क्यों करना पड़ा? डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका जिम्मा मां के सर पे है, मां ने खाना नहीं खाया, मां ने दूध नहीं पिया। मां को यदि पूछा तो नहीं, हमारी रानी बेटी है ना, सब्जी नहीं खाती, उसको दूध नहीं पसंद है, फिर बच्चा ऐसे ही होगा 700-800 ग्राम का। आपको शायद मैं कुछ चीजें और बताऊं। FOAD बोल के एक बीमारी का एक वर्ग है, फीटल ओरिजिनेटेड एडल्टहुड डिसऑर्डर्स। बच्चा जब
छोटा रहता है, जिसका जन्मतः वजन बहुत कम रहता है, उनको आगे जाके भविष्य में डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब होने की संभावना ज्यादा रहती है। और आज आप यदि देख रहे हैं इंडिया नेम डालते कैपिटल सिटी ऑफ डायबिटीज, मधुमेह का राजधानी, ऐसा इंडिया का वर्णन किया जा रहा है। शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं, क्यों बढ़ रहा है डायबिटीज, व्हाई इज इंक्रीजिंग। तो पता लगा कि बच्चा जब पैदा होता है उसी दिन से उसके सर्कल पर डायबिटीज होने का खतरा मंडराता रहता है। इसका जिम्मा किसके ऊपर है, मां के ऊपर है, पिता के ऊपर है। देखो हमें गाड़ी लेनी है तो पिताजी कम से कम 10 शोरूम जाएंगे, ये कौन सी है, ये कौन सी है, क्या क्या एवरेज देती है, कैसा है, मेंटेनेंस कितना रहता है। मां को यदि साड़ी लेनी है तो कम से कम पूरा बाजार घूम के आएगी, कीमत क्या है, ये पल्लू ऐसा चाहिए, डिजाइन ऐसा चाहिए, कंजी ऑर्डर चाहिए। लेकिन बच्चा ठहरने की जब बात आती है तो बच्चा ठहर जाता है, ऐसा ही गड़बड़ाना हो जाती है, गड़बड़ हुआ हो गया, अभी क्या करें। आजकल जो है दो चार बच्चे पैदा करना बहुत मुश्किल बात है, एक ही बच्चा पैदा करो, लेकिन ऐसा करो कि वो आपका नाम रोशन करे। ये बच्चा कैसा चाहिए, स्वस्थ चाहिए, सुदृढ़ चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, तो उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे आएगा वो। तो उसके लिए जो कुछ करना है उसका प्रोग्राम हम लाने वाले हैं, इसको बोलते हैं बीज शुद्धि। धन्वंतरी एक अलग कंपनी है कि जो आपके होने वाले बच्चे का भी विचार कर रही है, बराबर है। तो हमारे जो जीवन के अलग अलग तप्पे हैं, बच्चा है, फिर युवा है, फिर तो आप वृद्ध हो गए हैं, तो अलग आयु के जो आपकी ये है पड़ाव, सभी में हमारा कुछ न कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आजकल यदि देखा गया तो हमारा शरीर जो है अंदर से खराब होने जा रहा है। अभी सबने पानी के बारे में आपको बताया तो पता लगा आपको, बराबर है ना। तब तक तो पानी बहुत बढ़िया बोल के हम पी रहे थे क्योंकि बॉटल में बंद है, बराबर है। तो आपके मुंह नजर से थोड़े पर्दे हटा देते हैं,